दोस्तों आपको यहाँ पर तस्वीर में कुछ चिप्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम हिंदी में पापड़ भी बोलते हैं। क्या आपने कभी ये पापड़ खाए हैं? क्या आप जानते हैं कि ये पापड़ कैसे बनते हैं? क्या आपके घर में ये पापड़ बनाए जाते हैं? पापड़ कैसे बनते हैं? हाउ आर पापड्स मेड, यानी कि जो चिप्स होते हैं आलू के, ये कैसे बनते हैं? अलग अलग तरीके के चिप्स अलग अलग घरों में बनाए जाते हैं। मेरे घर में बनते हैं यह चिप्स जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आपको कि यह पापड़ जो होते हैं आलू के, यह कैसे बनाए जाते हैं, या आलू के जो चिप्स होते हैं। तो हमें ये तो पता है कि हमें आलू चाहिए होंगे इसे बनाने के लिए। तो आलू जो होते हैं उसको धोकर छील लेना है, आलू धोकर उन्हें छील लें। उसके बाद छीले हुए आलू को पानी में रख दें। उसके बाद हमें क्या करना है, आलू को पतला और गोल गोल काट लें। जो ये आलू है उन्हें पतला और गोल गोल काटना है। चाकू से काट सकते हैं, नहीं तो ये मशीन आती है जिसकी मदद से हम इसे काट सकते हैं। और साथ साथ उन्हें पानी में रखते जाएं, जैसे जैसे वो कटते जाएं हम पानी में रखते जाएं, वरना वो काले पड़ जाएंगे। पानी में रखने से आलू काले नहीं होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर कटे हुए आलू को धो लें। तो ये जो कटे हुए आलू होंगे इन्हें अच्छे से हमें धो लेना है। फिर हमें एक पैन लेना है, एक फ्राइंग पैन लेना है, और उसमें पानी को उबालना है। पानी को उबाल कर उसमें थोड़ा नमक डालें, फिर कटे हुए आलू को इस पानी में डाल दें। 2-3 मिनट तक आलू को पानी में हिलाते रहें। हल्के पीले हुए आलू को छान लें। तो ये जो आलू होंगे हल्के पीले हो जाएंगे 2-3 मिनट में, इन्हें हमें छान लेना है। इन आलू के टुकड़ों को एक सूती कपड़े पर बिछाकर धूप में सूखने रख दें। जैसे यहाँ तस्वीर में हमें दिख रहा है, ऐसे एक सूती कपड़ा लेना है और उसे धूप में रख देना है ताकि आलू जो है वो सूख जाए। 2-3 दिन धूप में सूखने के बाद इन आलू की नमी चली जाएगी और आलू के पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 2-3 दिन तक जब वो धूप में रहेंगे और सूती कपड़ा जो होगा इसकी जो नमी होगी एकदम सोख लेगा, और साथ ही धूप से इसकी जो नमी है वो उड़ जाएगी और सारा पानी जो इन पापड़ों में होगा वो खत्म हो जाएगा और एकदम करारे हो जाएंगे। और इसे हम तल कर खा भी सकते हैं, नहीं तो इन पापड़ों को किसी बंद डब्बे में रखकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से मेरे घर में पापड़ बनाए जाते हैं। मुझे आलू के पापड़ बहुत पसंद है तो मेरे घर में ये बनाए जाते हैं। आपके घर में कौन से पापड़ बनते हैं? क्या आलू के पापड़ या कोई और पापड़? आपके घर में पापड़ कैसे बनते हैं? हाउ आर पापड्स मेड इन योर हाउस? जरा पता कीजिए कि आपके घर में पापड़ बनाए जाते हैं या नहीं, और यदि नहीं भी बनाए जाते तो क्या आपके घर में किसी को पापड़ बनाने आते हैं? जरा पता कीजिए कि कैसे और किन किन चीजों के पापड़ जो हैं वो बनाए जा सकते हैं।